स्कूल नेम एंड आवर नेम ऑल्सो? नहीं, सिर्फ ओनली स्कूल्स नेम। तो ये बच्चों, ये प्रोग्राम अब YouTube पर भी लाइव हो रहा है, तो आप ऊपर में देख सकते हो इसके YouTube का लिंक। तो इस लिंक को कॉपी करके आप अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को भी भेज सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे एक्सपर्ट जुड़ने वाली है, तो जैसे ही हमारे एक्सपर्ट जुड़ जाती है तो जस्ट हम लोग इस मीटिंग को, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं भी स्कूल ही जाने का है ना। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड आवर प्रिंसिपल सर एंड मैडम। टुडे The lecture is going on the science behind how to keep safe from COVID. आज का जो lecture है उसके topic जो है the science behind how to keep safe from COVID. आप लोग जानते होंगे कि दो सालों से ये कोरोना वायरस जो है पूरे दुनिया में नहीं बल्कि भारत में भी ये काफी फैला हुआ है, और इस वायरस से हमें किस तरीके से बचना है, अपने किस तरीके से बचाव करना है, तो उसको लेकर आज एक लेक्चर रखा गया है, एक वेबिनार रखा गया है। और इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज करवा रहे मिलेनियम एजुकेशन फाउंडेशन न्यू दिल्ली, और इस लेक्चर में अथक प्रयास जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट महाराष्ट्र मुंबई एंड बीएमसी बृहन मुंबई कॉरपोरेशन की तरफ से ये लेक्चर को रखा गया है, और इस लेक्चर को स्पॉन्सरशिप किया है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मुंबई और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन सभी संस्थानों को एजुकेशन डिपार्टमेंट महाराष्ट्र, बीएमसी, मिलेनियम इंडिया, LIC एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी, तो इन सभी को डिपार्टमेंट को धन्यवाद प्रकट करते हुए आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में आज हमारे साथ स्कूल जुड़े हुए हैं, MP भुटा हाई स्कूल, साधना विद्यालय स्कूल, IAS दिगंबर स्कूल, बाल MN गमाडा हाई स्कूल। तो इन सभी स्कूल के स्टूडेंट जो है आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी बच्चों को आज के लेक्चर के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद एंड वेलकम टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अब हम थोड़ी देर में इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, और हमारे साथ अभी एक एक्सपर्ट जो है डॉक्टर माला छाबड़ा जुड़ने वाली है, तो जैसे ही मैडम जुड़ जाती है अटेंड, फिर हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि आज का जो लेक्चर के जो टॉपिक रखा गया है साइंस बिहाइंड, मतलब आज हम वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से समझेंगे कि आखिर यह कोविड है क्या, ये कैसा बना होता है, ये कैसे इंसानों में इन्फेक्ट करता है या एनिमल्स में भी इन्फेक्ट करते हैं वायरस, और वायरस होते क्या है, अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो उसे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और कौन कौन से ट्रीटमेंट्स वगैरह लेने चाहिए, तो इन सभी चीजों पर चर्चा विस्तार से किया जाएगा। और
साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे ये चीज आज स्कूल के कोविड प्रोटोकॉल के लेके भी चर्चा किया जाएगा कि स्कूल्स खुल चुके हैं और आपने देखा होगा कि जैसे ही कोरोना आया तो सबसे पहले स्कूल्स को ही बंद किया गया और जब अनलॉक किया गया, तालाबंदी को जब खोला गया तो उस समय क्या है, सबसे लास्ट में स्कूल को ही खोला गया। तो ज्यादा काफी समय तक ये अपना स्कूल का जो सेक्टर था ये काफी प्रभावित हुआ। तो हम लोग चाहते हैं, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रयास है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयास है, मिलेनियम इंडिया का प्रयास है कि स्कूल दोबारा से ना बंद हो, स्कूल्स में केसेस कम से कम आए और बिल्कुल ना के बराबर हो ताकि ये स्कूल सुचारू ढंग से चलता रहे। तो इसके लिए आज कुछ गाइडलाइंस भी हमारे साथ जो डॉक्टर माला छाबरा मैडम जुड़ेगी वो आपको गाइडलाइंस भी बताएगी। तो अब थोड़े देर के बाद हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ अपने एक्सपर्ट जो है डॉक्टर माला छाबरा जुड़ चुकी है जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, डॉक्टर आरएमएल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से जुड़ी हुई है और इन्होंने काफी वायरस पर वर्क किया है, बैक्टीरियल पर भी वर्क किया है। तो एज ए साइंटिस्ट आज हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर माला छाबरा मैडम फ्रॉम आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो डॉक्टर साहब, माला मैडम, आपका स्वागत है और अपने माइक को अनम्यूट करके प्लीज कंटिन्यू दिस लेक्चर मैडम। थैंक यू सो मच इम्तियाज जी। एंड लेक्चर शुरू करती हूँ मैं। बाइलिंगुअल रहेगा? यस मैम, बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। हमने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, वो मैं शेयर करती हूँ। जब आपको स्क्रीन दिखने लगे मेरी तो बताइएगा प्लीज। यस मैम, इट विजिबल, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, चलो देन आई विल कंटिन्यू। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, राइट? एंड टुडे एज यू बीन टोल्ड वी विल टॉक अबाउट हाउ टू कीप सेफ फ्रॉम कोविड। 2 साल हो गए वी आर यू नो लिसनिंग अबाउट दिस डिजीज, फिर भी हमें रीएम्फसाइज करना है कि हम कोविड से कैसे बचें। ठीक है, तो हमने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार करी है जिसमें हम बताएंगे कि हम कोविड से बचने के लिए क्या क्या करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारा क्या होना चाहिए। उससे पहले मैं ये शुरू करना चाहती हूँ कि ये जान लें कि जर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जर्म्स छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सब जगह प्रेजेंट होते हैं, एयर में, सॉइल में, वाटर में, यू नो एनिमल्स में, सब जगह ये जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। और इनको हम ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और वायरसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, वन सेकेंड। और जैसे मैंने बताया ये हर जगह छुपे होते हैं, टॉयज में, टॉयलेट्स में, फोन्स में, कीबोर्ड्स पे, गार्बेज बिन पे, ये जर्म सब जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या ये सारे जर्म्स बुरे जर्म्स होते हैं? तो जो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, दोज आर गुड जर्म्स, राइट? दे हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, दे हेल्प अस टू सिंथेसाइज सम विटामिंस इन आवर बॉडी, सो दे आर गुड जर्म्स। बट वॉट वी शुड बी वरिंग अबाउट इज वॉट आर बैड जर्म्स, राइट? सो बैड जर्म्स कैन कॉज डिजीज, तो उनसे हमें बचना होता है। ठीक है, सो हम ये जान लें कि वायरसेस क्या होती है। सो वायरसेस आर वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी जर्म्स हैं। दे आर वेरी स्मॉल, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और कुछ कॉमन वायरल डिजीजेस हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है, कोविड है, वायरल डिजीज है, मीजल्स है, मम्स है, चिकन पॉक्स है, एड्स है, ये सब वायरल डिजीज हैं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो वायरसेस के साथ है वो ये है कि ये अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनको होस्ट की मशीनरी चाहिए होती है मल्टीप्लाई करने के लिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब तक हम वायरसेस को अपने अंदर इन्वाइट नहीं करेंगे वो बाहर नहीं सर्वाइव कर सकते। दे नीड आवर सेल्स टू मल्टीप्लाई और प्लांट सेल्स टू मल्टीप्लाई और एनिमल सेल्स टू मल्टीप्लाई, राइट? सो नाउ लेट्स सी कि कोविड 19 क्या है। व्हाई इट इज कॉल्ड कोविड 19? CO स्टैंड फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज। सो कोरोना वायरस डिजीज। एंड वॉट इज दिस 19? You all know that this virus was first detected in Wuhan, China. So
in December of 2019. That is why 19 has come from the year 19. So इसलिए disease का नाम पड़ा COVID-19. And is जो virus इसको करता है उसको हम SARS-CoV-2 virus कहते हैं या severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Novel virus भी कहा जाता है क्योंकि ये first time हमने देखा. कहाँ से आया ये virus? ये virus animals में, coronaviruses animals में होते हैं. ठीक है? और जब एक क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ एनिमल्स का ह्यूमन से तो स्पिल ओवर हुआ और स्पिल ओवर के बाद फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शुरू हुई. ठीक है, इसको हम जो प्राइमरीली डिजीजेस ऑफ एनिमल्स होती हैं और ह्यूमंस में आ जाती हैं उनको हम क्लोज इंटरफेस की वजह से ऐसी डिजीजेस को हम जूनोसिस भी कहते हैं, जूनोटिक डिजीजेस भी कहते हैं. ये डायग्राम दिखाता है, यू नो, कोरोना वायरस का आर्टिस्टिक डायग्राम है. आपने बहुत बारी सुना होगा स्पाइक प्रोटीन. क्या है ये स्पाइक प्रोटीन? तो ये जो येलो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं. ये आप इनमें देखो एक पर्टिकुलर कॉन्फिग्रेशन है, ये ह्यूमन सेल्स के साथ अटैच होने में वायरस को हेल्प करती है, लॉक इन की मैकेनिज्म बनाती है. एक बार जब वायरस अटैच हो जाता है तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका आरएनए पिंक कलर में इधर दिख रहा है वो ह्यूमन सेल्स के अंदर घुस जाता है और फिर वायरस ह्यूमन सेल्स की मशीनरी को लेके मल्टीप्लाई करना शुरू करती है और फिर डिजीज करती है. और जो वायरसेस थोड़े टाइम में, जो डिजीज थोड़े टाइम में पूरी दुनिया में फैल जाए, यू नो, ये कैसे फैला होगा? वुहान चाइना में शुरू हुआ, उसके बाद इतना ऑल राउंड ट्रेवल हुआ तो ये पूरी दुनिया में फैला. और क्यों फैला? एक तो ये नया वायरस था, हमारी बॉडीज को पहचानती नहीं थी. दूसरा ये माइल्ड इलनेस है, तो माइल्ड इलनेस में भी लोगों ने ट्रैवल किया और पूरी दुनिया में फैलाया. ऐसी डिजीजेस जो थोड़े टाइम में पूरी दुनिया में फैल जाती हैं उनको हम पैंडेमिक कहते हैं. सो COVID-19 इज ऑल्सो अ पैंडेमिक. ठीक है, एंड ये WHO का डैशबोर्ड ऐसे दिखाता है कि पूरी दुनिया में अबाउट 2000 लाख कंफर्म्ड केसेस हैं एंड अबाउट 45 लाख कंफर्म्ड डेथ्स हैं ड्यू टू COVID-19. ठीक है, बट इसके सिम्टम्स जो है बहुत माइल्ड है, बाकी वायरल डिजीजेस की तरह हैं, जैसे कि फीवर है, कॉफ है, यू नो, सोर थ्रोट है, गला खराब हो गया, बॉडी पेन हो रहा है, जैसे बाकी कॉमन वायरल फीवर के सिम्टम्स होते हैं वैसे होते हैं, राइट? एंड तो हु आर एट हाई रिस्क? नाउ जो पीपल, ऑक्यूपेशनल पीपल लाइक डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, लैब में काम करने वाले हैं, जो हम रोज पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, वी आर एट हाई रिस्क, राइट? एंड क्या कहते हैं, बाकी कौन है हाई रिस्क पे? बाकी जो हाई रिस्क पर है, जैसे जिसको डायबिटीज है या ओबेसिटी है या कोई लंग डिजीज है, किडनी डिजीज है या कैंसर है, ऐसे लोग भी हाई रिस्क पर होते हैं. ठीक है ना, इनकी बॉडी इम्यून सिस्टम वीक होता है, इसीलिए इनको कोई भी वायरल डिजीज जल्दी से पकड़ सकती है, राइट? सो और ये कैसे फैलता है वायरस डिजीज? ये या कॉफ से फैलता है. जब कॉफ करते हैं तो हमारे मुंह से सिक्रीशंस निकलते हैं, इन सिक्रीशंस में वायरसेस होते हैं और ये सिक्रीशंस जब दूसरों के ऊपर गिरते हैं तो हेल्दी इंडिविजुअल को इन्फेक्शन हो सकता है, राइट? सो जब किसी को सिम्टम्स आ जाते हैं ऐसे में वायरस शेडिंग बढ़ जाती है और डिजीज ट्रांसमिशन हो सकती है. पर सिम्टम से पहले भी यू नो, 3 दिन पहले जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है. और कई बारी अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ और मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो मेरे में सिम्टम्स नहीं आएंगे, फिर भी अगर मेरे में वायरस आई है तो मैं उसको ट्रांसमिट कर सकती हूँ. ऐसे ट्रांसमिशन को हम एसिम्टोमैटिक ट्रांसमिशन कहते हैं, राइट? एसिम्टोमैटिक ट्रांसमिशन. ये अब हम जान लें, यू नो, कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. आपने सुना होगा ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है या एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है या फोमाइट्स के वजह से ट्रांसमिट हो रहा है.
तो ये ड्रॉपलेट एयरबॉर्न और फोमाइट्स क्या होते हैं? अगर आप इसको देखेंगे, इस डायग्राम को, तो जब मैंने बताया, जब हम बात करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, तो छोटे 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 ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकलते हैं, राइट? मुंह से, नाक से निकलते हैं। ये ड्रॉपलेट अगर 5 माइक्रॉन से बड़े हैं तो ये ड्रॉपलेट 1 मीटर के डिस्टेंस से नीचे गिर जाते हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस से पहले ही नीचे गिर जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम खांसते छींकते हैं तो हमारे मुंह से जो बड़े ड्रॉपलेट्स हैं 1 मीटर से पहले ही गिर जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करो आपस में, राइट? अब आपको समझ आया 1 मीटर का लॉजिक क्या है? क्योंकि जो सिक्रीशंस हमारे मुंह से, नाक से निकलते हैं, वो 1 मीटर में से पहले गिर जाते हैं। इनको हम कहते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, राइट? और इन ड्रॉपलेट्स में अगर वायरस हो और हमारा डिस्टेंस 1 मीटर से कम हो तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं मास्क पहनो, कि अगर डिस्टेंस 1 मीटर से कम भी हो तो भी अगर मास्क पहना हो तो वो सिक्रीशंस हमारे ऊपर नहीं गिरेंगे और हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। ये, और जब हम कोई प्रोसीजर करते हैं, मेडिकल प्रोसीजर करते हैं, जैसे किसी को इंट्यूबेट किया या सक्शन किया, तो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, और ये छोटे 5 माइक्रॉन से छोटे ड्रॉपलेट्स एयर में फ्लो करते हैं, ठीक है? और इसको हम जो पार्टिकल्स, ये ज्यादा टाइम तक रह सकते हैं एयर में और 1 मीटर डिस्टेंस पे नहीं गिरते, ऐसे ट्रांसमिशन को हम एरोसोल ट्रांसमिशन कहते हैं। एरोसोल ट्रांसमिशन कहाँ होगा? जहां पे मेडिकल प्रोसीजर्स होंगे, तो हॉस्पिटल में ज्यादा एरोसोल ट्रांसमिशन होता है, इसीलिए डॉक्टर्स सारा पीपीई सूट और N95 मास्क लगाते हैं। बट जो कॉमन पर्सन है उनको हम कहते हैं 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि बिग ड्रॉपलेट्स फॉल विद इन अ मीटर ऑफ डिस्टेंस, एंड मास्क पहनो, ठीक है? मास्क पहनने से क्या होगा कि आपके ऊपर सिक्रीशंस नहीं गिरेंगी और आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये हो गया ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, जो 5 माइक्रॉन की ड्रॉपलेट से होता है, से बड़ी ड्रॉपलेट से होता है, और एरोसोल ट्रांसमिशन 5 माइक्रॉन से छोटी ड्रॉपलेट से होता है। और ये वायरस कॉपर पे 4 आवर्स, जो डोर नॉब्स हैं, 4 आवर्स तक सर्वाइव कर सकता है, कार्डबोर्ड पे सर्वाइव कर सकता है, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पे भी सर्वाइव कर सकता है। तो जब हम इन सर्फेसेस को हाथ लगाएंगे, इनके ऊपर वायरस होगा, फिर हम अपने हाथ अपने आंखों में, नाक में या लिप्स पे लगाएंगे, तो वायरस ट्रांसमिशन होगा। तो ऐसे ट्रांसमिशन को जो हम अपने आप ले लेते हैं, उसको हम फोमाइट ट्रांसमिशन कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हैंड सैनिटाइज करो बार बार। तो इससे हम क्या सीखते हैं? हमें SMS फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? SMS। SMS क्या होता है? सेफ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मास्क एंड सैनिटाइज योर हैंड। हिंदी में बोलूं तो सुरक्षित दूरी 1 मीटर की, मास्क पहने मां, और स से साफ स्वच्छ हाथ। तो आपको क्या याद रखना है? SMS। SMS क्या होता है? सेफ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मास्क एंड साफ स्वच्छ हाथ। तो अगर हम SMS करेंगे फॉलो, तो हमें इन्फेक्शन होने की चांसेस कम है। अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा हो तो देखो, खांसते छींकते वक्त ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। ये ड्रॉपलेट्स अगर हमारा डिस्टेंस 1 मीटर से कम है तो हेल्दी इंडिविजुअल में जाके उसको इन्फेक्शन कर सकते हैं, या ये ड्रॉपलेट्स टेबल, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, कीबोर्ड वगैरह वगैरह में, फोन पे गिरते हैं, और जब हम इसको हाथ लगा के उठाते हैं तो, और फेस पे हाथ लगाते हैं, तो ये इन्फेक्शन हमें ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये जो है ड्रॉपलेट है, और ये फोमाइट ट्रांसमिशन है, ठीक है? ये भी वही दिखाता है। और जब इंडिविजुअल ससेप्टेबल होता है, उसको इन्फेक्शन होता है, फिर वो बीमार पड़ता है और वो दूसरों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल 2 to 8 लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। अब आप सोचो, मैं इन्फेक्ट हुई, मैंने 8 लोगों को दिया, वो 8 एक एक जन 8 8 8 को देगा, तो 8 8 64 times इन्फेक्शन, उसके बाद वो लोग आगे फैलाएंगे। इस तरह से बड़ी बड़ी वेव्स आ जाती हैं, समझ आई? बहुत जल्दी ट्रांसमिशन होता है। तो हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं? हम इसको, आपने नाम सुना होगा, RT-PCR टेस्ट और एंटीजन टेस्ट से डायग्नोस करते हैं। और
आरटीपीसीआर टेस्ट हम कहां से लेते हैं? नेजल और थ्रोट स्वाब लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि अगर किसी को मलेरिया होता है तो हम क्लोरोक्विन देते हैं, किसी को टाइफाइड होता है तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, पर किसी को कोरोना वायरस डिजीज हो तो हमारे पास ऐसी कोई दवा नहीं है जो हम उसको दे दें और वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो हम उसको खाली सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट से मतलब क्या कि बुखार हुआ तो पैरासिटामोल दे दी, खांसी आई तो कॉफ सिरप दे दिया, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है तो नेबुलाइज कर दिया। तो हम इस और इससे हम क्या सीखते हैं, इससे हम ये सीखते हैं कि हमें इसको प्रिवेंट करना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक। तो हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, मैंने आपको बताया क्या याद रखना है आपने, SMS, सेफ डिस्टेंस 1 मीटर का, मास्क पहने और साफ सुरक्षित हाथ, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, धोएं, ठीक है। फिर से बताती हूँ स्ट्रैटेजी क्या है। अगर कोई बीमार होता है, कोई भी बीमार है, तो हमें उसको आइसोलेट करना है। आइसोलेट करके उसका ध्यान रखना है, उसको ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, और हमें किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना। इस बीमारी ने बहुत मेंटल स्ट्रेस दिया, बच्चों को दिया, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा सके, अपने फ्रेंड से नहीं मिल सके, इतना लॉकडाउन हुआ, अपनी फेवरेट टीचर से नहीं मिल सके, बाहर नहीं खेल सके, इस तरह लोगों की जॉब्स चली गई, उनको भी मेंटल स्ट्रेस हुआ। अब हम अगर हम SMS का फॉलो करेंगे, सेफ डिस्टेंस, मास्क एंड सैनिटाइज योर हैंड्स, तो हम ये बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमें ध्यान रखना है कि कॉफ एंड रेस्पिरेटरी एटिकेट्स क्या होते हैं। तो जब आपको खांसें छींकें, तो जैसे पहले हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें हैंकी देते थे कि आप हैंकी लो, जब खांसी आए छींक आए तो हैंकी में खांसो छींको, और या फिर टिश्यू पेपर लो और टिश्यू पेपर को ढंग से डिस्कार्ड करो। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, खांस छींक आ रही है तो कैसे खांसो छींको, अगर आप हाथ से ऐसे कवर करोगे तो हाथ में सारी सिक्रीशंस आएंगी, फिर हम ऐसे करके अपने आप पे लगा लेते हैं या टेबल पे लगाते हैं और वायरस यहाँ वहां लग जाता है, फिर दूसरों को ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए जब भी अगर आपके पास हैंकरचीफ या टिश्यू पेपर नहीं है तो आप अपनी कोहनी में, अपनी एल्बो में खांसो छींको, खांसी छींक आए तो ऐसे करो ताकि आपकी सिक्रीशंस यहाँ डिपॉजिट हो और यहाँ लोग नहीं पकड़ते तो आगे ट्रांसमिट नहीं होगा। दीज आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, कि खांसने छींकने से अपने नोज एंड माउथ को कवर करो टिश्यू पेपर से, हैंकी से, या फिर अपनी एल्बो में खांसो और छींको। किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, एक तो जैसे ही कोई बीमार होता है वो डॉक्टर को जरूर सलाह ले। आई टोल्ड यू इट्स अ माइल्ड डिजीज, बट यू हैव टू बी इन टच विद डॉक्टर। डॉक्टर विल टेल यू कि आपका घर में ट्रीटमेंट होगा कि बाहर ट्रीटमेंट होगा। आप सारा खाना वेल कुक्ड खाना खाएं, ठीक है, बार बार हाथ धोएं, ठीक है, दूसरों का क्लोज कॉन्टैक्ट दूसरों से अवॉइड करें और मास्क पहने, ये सब चीजें हमें नहीं भूलनी है, ठीक है। अब हाथ धोने का तरीका भी आजकल सबको सिखाया जाता है। क्या नलका खोलने के से और नीचे हाथ डालने से आपके हाथ साफ हो जाते हैं? नो। सो देयर आर 6 steps ऑफ हैंड वॉशिंग विच इज फॉलोड ग्लोबली अराउंड द वर्ल्ड। ये 6 steps ऑफ हैंड वॉशिंग है। और ये 6 steps ऑफ हैंड वॉशिंग क्या है कि अपने आप हाथ वेट करिए, सोप लीजिए और फिर पाम रब करिए, फिर बैक ऑफ हैंड्स रब करिए, फिर अपनी दोनों मुट्ठियां या नकल्स रब करिए, फिर अपना अंगूठा क्लीन करिए, थंब क्लीन करिए, फिर अपने नेल्स क्लीन करिए अपने पाम पे रब करके, और फिर अपनी रिस्ट क्लीन करिए। इन स्टेप्स को, 6 steps को करने में 20 to 30 seconds लगते हैं, और ये करने के बाद हमें अपने हाथ धोकर और फिर सुखाने हैं, ड्राई करने हैं, पोंछने हैं टॉवल से या फिर क्लीन टिश्यू पेपर से। सो दीज आर 6 steps। नाउ टू रिमेम्बर दीज 6 steps, एक नाम अगर आप याद रखेंगे जो नाम है सुमन के। सुमन के क्या है, आप भी मेरे साथ कर सकते हैं कि आपने पानी लिया, पहले सीधा हाथ रब किया, फिर उल्टा हाथ रब किया, यू से उल्टा, एम से मुट्ठी, फिर मुट्ठी की,
फिर अंगूठा किया, फिर नेल्स किए और फिर कलाई करी। सो सुमन के सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून और कलाई। सो अगर हम ऐसे हाथ धोएंगे तो हमारे हाथ बिल्कुल क्लीन होंगे, और फेस, आईज, नोज और लिप्स पे हाथ लगाने से पहले अपने हाथ जरूर क्लीन करें, ठीक है। सो यही स्टेप्स हम सैनिटाइजर से भी करते हैं। अगर हमारे हाथ विजिबली डर्टी नहीं है तो हम सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। मास्क पहनने का तरीका भी इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम मास्क पहने तो अपना पूरा मास्क को पहनकर एंड नोज, लिप्स और चिन पूरी कवर करें, मास्क को टाइट करें। क्लॉथ मास्क भी ऐसे ही पहनना है, मास्क ऐसे पहनने का, ऐसे पहनने का या ऐसे पहनने का कोई फायदा नहीं है। तो आपका नोज, लिप्स और चिन तीनों पूरे अच्छी तरह कवर्ड होने चाहिए। मास्क पहन 6 आवर्स तक हम ये मास्क पहन सकते हैं, कपड़े का मास्क भी 6 आवर्स तक पहन सकते हैं। 6 आवर्स के बाद उसको हम रूटीन लॉन्ड्री में जैसे बाकी कपड़े धोते हैं वैसे धोकर सुखाकर रीयूज कर सकते हैं। अगर ये मास्क हमारा गंदा हो जाता है 6 आवर से पहले तो हमें पहले चेंज करना है, ठीक है। खाना खाने के लिए जब सपोज आपने स्कूल में आप पानी पी रहे हैं तो मास्क उतारिए, आप पानी पीजिए और फिर ऐसे पकड़ा हुआ है मास्क और फिर से पहन लीजिए। खाना खाना है तो ये मास्क उतारिए, एक पेपर बैग है ये, उसमें डालिए, पेपर बैग में डालिए मास्क और उसके बाद खाना खाने के बाद निकाल के फिर पहन लीजिए। ये है राइट यूसेज ऑफ मास्क, राइट। देन यू शुड नेवर टच योर आईज, नोज एंड लिप्स विद योर डर्टी हैंड्स। यू हैव टू सैनिटाइज योर हैंड्स, और हैंड सैनिटाइजिंग का तरीका है सुमन के, सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून एंड कलाई। ऐसे अपने हैंड सैनिटाइज करके ही अपने फेस पे हाथ लगाने हैं। सो बचने के तरीके मैंने, एक तो SMS, सेफ डिस्टेंस, मास्क एंड सैनिटाइज योर हैंड्स। हैंड सैनिटाइज करने के लिए सुमन के सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून और कलाई। एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट इज वैक्सीनेशन। नाउ वी हैव इफेक्टिव वैक्सीन, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड मैन्युफैक्चर्ड इन आवर कंट्री। स्पुटनिक इज रशियन वैक्सीन, सो दीज हैव टू बी टेकन बाय ऑल अडल्ट्स 2 डोजेस, राइट। तो ये वैक्सीन, क्या हम वैक्सीन ले लें फिर हम SMS फॉलो ना करें? नहीं, वो हमें जरूर करना है, बिकॉज वैक्सीन हमें सिवियर डिजीज से बचाती है, राइट। डिजीज ट्रांसमिशन तो फिर भी हो सकता है, इसलिए हमें वैक्सीन भी लगाना है और SMS भी फॉलो करना है। बच्चों की वैक्सीन Zydus अप्रूव हो चुकी है, लेकिन अभी मार्केट में आई नहीं क्योंकि सेफ्टी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। सो जैसे ही आएगी 1 महीने में, उसके बाद बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। अब स्कूल खुल रहे हैं तो स्कूल में क्या गाइडलाइंस फॉलो करें? क्लासरूम जो है वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए। हम अपने डोर्स एंड विंडोज क्लासरूम्स के खुले रखें ताकि फ्री फ्लो ऑफ एयर रहे। बच्चे 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे और मास्क हमेशा लगा के रखें। ऑलवेज वेयर योर मास्क। स्कूल में असेंबलीज को अवॉइड करना चाहिए। स्कूल में टॉयलेट्स और हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। टॉयलेट्स को थोड़ी थोड़ी देर बाद क्लीन करना चाहिए। हर स्कूल को किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल से लिंक होना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा, किसी की भी तबीयत खराब हो, उसको इमीडिएट अटेंशन दी जा सके। स्कूल में भी हम सोशल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी एटिकेट, कॉफ एंड स्नीज, इन बेंट एल्बोज, ये सब स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो SMS, कॉफ एटिकेट, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। टीचर शुड बी ट्रेन्ड टू आइडेंटिफाई द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड आइसोलेट द स्टूडेंट्स और एनीबडी हु इज सिक। सारा स्टाफ वैक्सीनेशन लेना चाहिए, अडल्ट स्टाफ। हम सबको ध्यान रखना है कि जिस दिन हमारी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार लग रहा है, खांसी जुकाम लग रहा है, उस दिन स्कूल नहीं आए, सेल्फ डिक्लेयर करके बैठें। ये सारी चीजें हमें स्कूल की ट्रांसपोर्ट में भी, जब हम आते हैं बस में, तो भी हमें फॉलो करनी है, ठीक है। मास्क पहनने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जब दोनों लोग मास्क पहनते हैं
जो बीमार है और जो हेल्दी है, तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो है बहुत कम हो जाता है। इसीलिए जो हेल्दी है उसको भी मास्क पहनना है और जो बीमार है उसको भी मास्क पहनना है। स्कूल को डिसइंफेक्ट करने का तरीका, जो हमारे कर्मचारी स्कूल को साफ करते हैं, वो भी हमें उन्हें सिखाना होता है। पहले क्लासरूम खाली करो, डेस्क सारा पोंछो, उसके बाद डिसइंफेक्टेंट से उसको क्लीन करके और फिर क्लीन रूम से वाइप करो, उसके बाद ही बच्चे क्लासरूम में आए। सो दिस प्रोसीजर शुड बी डन एवरी डे एंड एवरी शिफ्ट, राइट। एंड कोरोना वायरस के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ मिथ्स हैं, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम करेक्ट इंफॉर्मेशन लें। तो ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनसे ही आप करेक्ट इंफॉर्मेशन लें, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन जब मिलती है तो फिर नुकसान ज्यादा होता है, राइट। ऐप भी हैं, जैसे आपको पता है आरोग्य सेतु ऐप या COVID-19 ऐप, बहुत सारी ऐप्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की जो कि आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दे पाएंगी। मिलेनियम इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन ने बहुत अच्छी बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स, वेरी पिक्टोरल एंड नाइस स्टोरी बुक्स बनाई हैं, जिसका लिंक आपको दिया जाएगा और कुछ हार्ड कॉपीज भी दी जाएंगी। आप इनको पढ़ें, इंजॉय करें और SMS जो मैंने आपको बताया, सेफ डिस्टेंस, मास्क एंड सैनिटाइज योर हैंड्स एंड हाउ टू सैनिटाइज योर हैंड्स, सुमन के, सीधा उल्टा मुट्ठी अंगूठा नाखून एंड कलाई, अच्छे से हाथ साफ करें, रेस्पिरेटरी एंड कॉफ एटिकेट्स का ध्यान रखें और वैक्सीनेशन का ध्यान रखें, तो आप बहुत हद तक इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं, राइट। हमने ओमिक्रॉन के बारे में सुना, अभी US में इट इज, हमें ये अफ्रीका में मिला, सदर्न अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, उसके बाद ये स्प्रेड हो रहा है और बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। इस वक्त UK में बहुत केसेस हैं ओमिक्रॉन के, हमारी कंट्री में भी केसेस हैं, बट चाहे कोई भी वेरिएंट, अगर आप SMS और SMS फॉलो करोगे, कॉफ एटिकेट्स फॉलो करोगे और वैक्सीनेशन फॉलो करोगे, तो कोई भी वेरिएंट हो चाहे, उसका ट्रांसमिशन हम काफी हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है। ओमिक्रॉन इज अ माइल्ड वेरिएंट, एज ऑफ नाउ इट डजंट सीम टू बी वरिंग बिकॉज इट्स नॉट सीरियस, बट वी हैव टू मेंटेन सेफ डिस्टेंस, मास्क एंड सैनिट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, right, to prevent transmission of SARS-CoV-2 virus which causes COVID-19, any variant can be prevented by this. So what we have to understand is that prevention is better than cure. Hume prevent karna hai, theek hai, cure to koi hai hi nahi, aur prevent karne ke liye hume SMS, safe distance, mask and sanitize your hands ka, vaccination ka, cough etiquettes ka, respiratory etiquettes ka bahut dhyan rakhna hai. So thank you so much for your patience listening. I hope you have understood that we have to follow safe distance, mask and sanitize your hands. Thank you. Over to you, sir. Okay. Thank you so much, Dr. Mala, madam. So अभी जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आज का जो लेक्चर था वो आपने सुना, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ी हुई थी डॉक्टर माला छाबड़ा, जो डॉक्टर भी है ऐसे साइंटिस्ट भी है, फ्रॉम RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से जुड़ी हुई थी और आपको बच्चों को बता रही थी कोविड को लेकर। और आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था मिलेनियम इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन और डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई BMC एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट UP। तो इन सभी डिपार्टमेंट का धन्यवाद के साथ साथ बच्चों आप सभी का भी थैंक्स। तो कुछ बच्चों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो 2-3 मिनट्स है, तो आप अपने क्वेश्चन को, क्वेरी को मैडम से पूछ सकते हो। ओके, कैन यू आस्क द क्वेश्चंस बेटा, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन को पूछिए। मैम प्लीज शो द नंबर स्क्रीन। दोबारा पूछो बेटा। मैम प्लीज नंबर स्क्रीन शो कीजिए। स्क्रीन स्टॉप कर दो ना, ठीक है। हेल्पलाइन वाला नंबर ओके, I will show you the helpline wala number. Yeah, sharing screen stop ho gaya madam. हाँ, sharing screen stop हो गया। मैं number बता दूँ क्या, कैसे करूँ कि आप दोबारा share करेंगे मेरा screen? Chat box में लिख दीजिए। मैं अच्छा chat box में लिख देती हूँ।
और बच्चों और भी किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो। थैंक यू मैम। हाँ बोलो, टीचर का कोई सवाल हो स्टूडेंट्स के। वो कोरोना का वैक्सीन चिल्ड्रंस को कभी मिलेगा? बच्चों का वैक्सीन इज रेडी बट सेफ्टी डेटा इकट्ठा हो रहा है, सो मे बी इट विल टेक अनदर वन मंथ, मंथ एंड अ हाफ टू कम इन द मार्केट, सो व्हेन देन यू विल गेट इट। स्कूल और टॉयलेट क्लीन होगा? स्कूल और टॉयलेट को क्लीन रखना है या इस टाइप से चीजें? हाँ, स्कूल और टॉयलेट को तो बिल्कुल क्लीन रखना है, ठीक है, और पीरियोडिकली क्लीन होना चाहिए, इसीलिए स्कूल के टीचर्स भी हैं यहाँ पर, सो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके मैम बताओ, पूछो। हेल्पलाइन नंबर चैट में डाल रही हूँ। बेटा डाल दिया मैंने, चैट बॉक्स में डाल दिया, वो आप देख लेने। हेलो मैम। हाँ पूछिए, जल्दी पूछिए बेटा, क्वेश्चन जल्दी से पूछिए। मैम वी डिडंट हैव अ पॉलिटिन मिस रीगा, वी डिडंट गेट द हेल्प मैम। यस वी कैन पुट इन पॉकेट इन मास्क, वी डिडंट हैव दैट पॉलिटिन। वेल यस बट यू हैव टू सी व्हेन यू आर पुटिंग द मास्क देन इनसाइड एज यू शुड फोल्ड एंड नॉट पॉलिथिन, यू टेक अ पेपर बैग, कोई भी पेपर बैग यू कैन टेक एंड यू कैन पुट योर मास्क इन दैट एंड कीप, यू कैन ऑल्सो पुट इट इन पॉलिथिन बट डोंट पुट इट आउटसाइड, ओके, और रैप इट इन योर हैंडकरचीफ एंड पुट। ओके मैम, व्हेन द वैक्सीन विल कम इन द मार्केट, इट विल बी कंपलसरी टू टेक? वेल नो, नथिंग, सी इट इज ऑलवेज एडवाइज टू टेक वैक्सीन, ओके, इट इज गुड टू टेक वैक्सीन. That is why we make sure that the vaccine is safe. So, lot of safety data is being collected, right? Once it comes in the market, it will be safe. You will be advised to take, right? So, you will have to ask your parents and then decide. Miss, I have a question. Please. Miss, in school, we have to put mask. Yes, you have to put mask all the time. Okay. Never take off your mask. Only when you are eating or drinking and maintaining a safe distance, only then you should take off the mask. Ma'am, what are the symptoms of Omicron? Omicron is a mild disease. It is same as the other variants, right? So it is like you have cold, you have sore throat, you have cough, you have fever. So it's a mild disease as of now, what we know of it. ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आप पूछ लीजिए। हेलो सर। हाँ पूछिए। स्कूल में हमेशा ओपन रहता है। टीचर आपको बताएंगे कि स्कूल्स कब से पूरे खुल रहे हैं। तो ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर माला मैडम, एंड थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे इन द लेक्चर, एंड थैंक्स अगेन आवर टीचर्स एंड प्रिंसिपल ऑल द स्टूडेंट। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।